समोसा खाने का मन हो और आप इसे बनाने की सोच रहे हैं तो यह खास डिश आपके लिए है। समोसा हर किसी को बेहद पसंद होता है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट और यूनिक है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल समोसे के जैसा ही है। नमस्कार, किचन एटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रोलअप्स। रोलअप्स बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, आधा चम्मच अजवाइन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 चम्मच तेल। मैदे के साथ सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ मोयन थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच तेल और ऐड करके इन्हें मिला लूंगी। डो तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। रोल्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल समोसे के जैसा ही टाइट डो तैयार करना है। डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। रोल्स की स्टफिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई गर्म कर डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ और जीरा अच्छी तरह भून गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इन सभी को थोड़ी देर भून लेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर डालकर सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रख लिया था। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर इन्हें मिक्स कर लेंगे। आलू अच्छी तरह भून गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। स्टफिंग तैयार है, अब इसे ठंडा कर लेंगे। डो भी हमारा सेट हो चुका है, इसे मसल कर थोड़ा मुलायम कर लेंगे। इस डो में से मैंने छोटे छोटे लेई तैयार कर लिए हैं। तैयार किया हुआ आलू वाला स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, अब इसमें से हम छोटे छोटे रोल्स तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के सभी रोल्स तैयार है, अब हम समोसा बना लेते हैं। एक लेई लेंगे और इसे ओवल या हल्का लंबा शेप में इस तरह से बेल लेंगे। रोल्स के लिए हमने शीट तैयार कर लिया है, अब एक चाकू लेंगे और इसके अगले छोर पर हम कुछ इस तरह से कट लगा लेंगे। अब तैयार की हुई स्टफिंग को शीट के ऊपर भाग में इस तरह रखेंगे। शीट के चारों किनारों पर पानी लगा लेंगे, जिससे कि रोल अच्छी तरह सील हो जाए। अब शीट के दोनों किनारे को उठाकर इस तरह स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। शीट को उठाकर हल्का सा दबाते हुए हमें इसे रोल करते जाना है, जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। रोल के दोनों किनारों को इस तरह सील कर देंगे। रोल हमारा बनकर रेडी है। यहाँ पर एक और रोल बना लेते हैं। इसके लिए एक ओवल शेप की हम शीट तैयार कर लेंगे। तैयार शीट के नीचे वाले भाग में हम हल्का सा इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे कि नीचे का हिस्सा जुड़ा रहे। अब रोल के चारों तरफ हल्का पानी लगाकर स्टफिंग रख लेंगे और स्टफिंग को इस तरह से हल्का सा दबाते हुए रोल कर लेंगे। तैयार रोल्स के दोनों कॉर्नर को अच्छी तरह पैक करते हुए सील कर लेंगे। इस तरह से सारे रोल्स को बनाकर हमने तैयार कर लिया है, अब इन्हें तलने की बारी है। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब रोल्स को हम तलने के लिए तेल में डाल देंगे। रोल्स को तेल में डालते समय ध्यान रखिए कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। रोल्स एक साइड से तल गए हैं, अब इन्हें हम पलट कर दूसरी तरफ भी तल लेंगे। रोल्स को हमें धीमे आंच पर ही तलना है, जिससे कि ये क्रिस्प बनकर तैयार हो। नॉर्मल समोसा बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन यदि आप इस तरह से समोसा रोल तैयार करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इन रोल्स को धीमे आंच पर तलने के लिए 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इस तरह से रोल्स को लगातार पलटते हुए चलाते रहें, जिससे कि ये चारों तरफ से एक समान तल जाएं। रोल्स का कलर हल्का सुनहरा हो गया है, अब इन्हें हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट बैच रोल्स तलने के लिए गैस को बंद कर दें, तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने दें, फिर रोल्स डालकर इन्हें तल लें। अब बाकी के बचे हुए सारे रोल्स को भी हम तल कर तैयार कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गए समोसा रोलअप्स। तो अगली बार जब भी समोसा खाने का मन करें, इसी तरीके से समोसा रोलअप्स को तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।